जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट एकेडमी वन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके पेपर के पैटर्न के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ये आपके जो है 5 से 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपका एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट है तो इसका आपको पूरा अंक मिलता है, यानी कि आपको एक अंक पूरा मिलेगा। लेकिन अगर आपका जो अति लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होते हैं उसमें से अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर आपका बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन होगा तभी आपको 4 नंबर, यानी उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा तभी 4 नंबर मिलेंगे। अगर करेक्ट नहीं है तो उसमें से 2 नंबर या 3 नंबर ऐसे मिलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की विशेष तैयारी आपको करनी है क्योंकि इससे आपको पूरा नंबर मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बायोलॉजी से ये पूरी बुक से आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और 20 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार से, यहां पर हर एक क्वेश्चन का हम आंसर भी देखेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया कि द्विनिषेचन क्रिया किसमें होती है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन जो क्रिया होती है वह किसमें होती है, जो कि आपके सामने ऑप्शन है इस प्रकार से। जैसे पहला आपका विकल्प यहां पर कहा गया कि शैवालों में, नेक्स्ट है आपका अनावृत्ति बीजी पादपों में, और यहां पर पौधों में, नेक्स्ट है आपका आवृत्ति बीजी पौधों में, और आपका चौथा है ब्रायोफाइट्स में। तो देखिए जो द्विनिषेचन क्रिया होती है ये आपकी होती है आवृत्तिबीजी पौधों में, यानी कि जो इसका आपका ऑप्शन थर्ड हो गया, यानी कि तीसरा जो विकल्प होगा इसमें बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है आपका वंशागति की इकाई है, ठीक है, वंशागति की इकाई कौन सी है, या इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो आपको क्वेश्चन को अपने हिसाब से समझना, बाकी हम 1 से 2 बार अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि यहां पर क्या होता है कई बार मिस्टेक हो जाती है, कहीं पर हम शब्द को नहीं में भी क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं, तो ऐसे में पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो वंशागति की इकाई कौन सी है, जैसे कि आपके ऑप्शन दिए गए यहां पर, पहला है गुणसूत्र, नेक्स्ट आपका है दूसरा जीन, अगला है आपका गाल्जी का, और चौथा विकल्प है आपका जीन प्रारूप। तो वंशागति की इकाई होती है जीन, यानी कि आपका सेकंड जो ऑप्शन होगा वह बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। अगला है हमारा प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, यानी जो ये दो नियम है प्रभाविता का नियम और एक आपका पृथक्करण का नियम, ये किसने दिए थे, तो देखिए मेंडल ने ये नियम दिए थे, ठीक है। यहां पर आपका जो दोनों नियम है ये आपका जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो आपके देखिए ऑप्शन भी यहां पर दिए गए, जैसे पहला आपका डार्विन है, नेक्स्ट है लैमार्क ने, और अगला है आपका मेंडल ने, और चौथा है डी ब्रिज ने, ठीक है। तो यहां पर किसके साथ जाएगा, मेंडल ने, ठीक है। तो यहां पर आपका ये दोनों नियम, और देखिए बोर्ड एग्जाम में ये नियम भी पूछे जाते हैं, यहां पर प्रभाविता नियम एंड आपका पृथक्करण का नियम, एक आपका होता है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो तीन नियम है और तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्वेश्चन को भी इन्हें जो है, तो आपको दोस्तों ये तीनों जो नियम है यह भी तैयार कर लेने हैं, और इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह आपका होगा मेंडल ने, ठीक है। तो ये नियम किसने दिए थे, मेंडल ने दिए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए यहां पर कहा गया कि आरएनए अणु में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आरएनए अणु जो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन होता है किसके द्वारा होता है, तो यहां पर आपका ऑप्शन है पहला गुआनिन, ठीक है, यहां पर आपका पहला क्या है गुआनिन ने, और नेक्स्ट द्वारा, और नेक्स्ट है आपका यूरेसिल द्वारा, ठीक है, अगला है आपका साइटोसिन द्वारा, ये क्या होते हैं एक बेस होते हैं, ठीक है, क्षारीय जो होते हैं बेस, ठीक है, तो यहां पर ये बेस है। इसमें अगला है आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम द्वारा, ठीक है, तो यहां पर जो आरएनए अणु है, ठीक है, इसमें थायमिन का विस्थापन किससे होता है, तो ये आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम द्वारा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चौथा जो ऑप्शन होगा इसमें राइट होगा, ठीक है, चौथा विकल्प। अगला है आपका यहां पर आधुनिक मानव का निकट संबंधी है, तो आधुनिक मानव का निकट संबंधी कौन सा है, इसमें से पहला है गोरिल्ला, नेक्स्ट है आपका गिबन, और थर्ड ऑप्शन है आपका चिंपैंजी, और अगला है आपका ओरंग उटान, ठीक है। तो यहां पर आधुनिक मानव का निकट संबंधी कौन हो जाएगा, चिंपैंजी, ठीक है, तो यहां पर जो थर्ड ऑप्शन होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे यहां पर टीबी के टीके का नाम है, ठीक है, तो यहां पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं PAS, ठीक है, पहला क्या है PAS, नेक्स्ट है आपका OPV, और अगला है DPT, और चौथा है BCG, ठीक है, तो यहां पर टीबी के टीके का नाम हो जाएगा आपका BCG, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा। तो इस प्रकार से आपके यहां से 6 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को चलिए देखते हैं, तो 7वां क्वेश्चन है आपके सामने यहां पर कि
बीटी कपास है। तो बीटी कपास मतलब है क्या, यहां पर ऑप्शन दिए गए कौन सा पौधा, ठीक है। जैसे पहला आपका एक क्लोन्ड पौधा है, नेक्स्ट आपका एक संकर पौधा है, और थर्ड ऑप्शन है एक परजीवी पौधा है, और नेक्स्ट आपका एक उत्परिवर्तित पौधा है। तो बीटी कपास क्या है, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर एक परजीवी पौधा, यानी कि आपका जो तीसरा ऑप्शन है एक परजीवी पौधा, वह इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, तो यहां पर दलहनी पौधों की जो जड़ें होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो यहां पर आपका पहला जो विकल्प है वो है राइजोबियम, नेक्स्ट है आपका एजोबैक्टर एजोटोबैक्टर, और अगला है आपका, तो हमारा थर्ड ऑप्शन है यहां पर सीडोमोनास, ठीक है, और अगला है आपका ये सभी। तो मतलब यहां पर आपका इनमें से कौन सा दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, तो इसका आपका हो जाएगा राइजोबियम, यानी कि पहला जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वह हमारा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइजोबियम जो है दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कहा गया कि खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है, मतलब दोस्तों यहां पर खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत की कुछ इकाई आती है, जैसे उत्पादक उपभोक्ता, और इस प्रकार से यहां पर आपके विकल्प दिए गए हैं। तो पहला क्या है आपका उत्पादक है, नेक्स्ट है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, और अगला है आपका द्वितीयक उपभोक्ता, और नेक्स्ट है आपका इनमें से कोई नहीं। तो मतलब यहां पर जो खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई होगी, मतलब जिससे खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होगी, ठीक है, तो उत्पादक, मतलब देखिए उत्पादक अगर नहीं होगा तो उपभोक्ता जो उपभोक्ता होगा उसके रहने या ना रहने का कोई मतलब नहीं, तो मतलब उत्पादक जो है मुख्य इकाई मानी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपका पहला जो ऑप्शन होगा वह राइट हो जाएगा। अगला है हमारा पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है, तो यहां पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है आपका बीरबल साहनी, नेक्स्ट है आपका आर मिश्रा, और अगला है आपका राम उदार, नेक्स्ट है आपका केसी मेहता, ठीक है। तो यहां पर पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक की बात करेंगे, तो यहां पर वैसे ही देखिए जो भी वैज्ञानिक है सभी क्या भारतीय है, तो यहां पर आर मिश्रा जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक आर मिश्रा, ठीक है। अगला है आपका यहां पर क्वेश्चन 11, कहा गया कि क्या पुरुषों से संबंधित है, तो यहां पर आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला क्या है वैसेक्टोमी, नेक्स्ट आपका गोलियां, और अगला आपका ट्यूबेक्टोमी, और नेक्स्ट आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वह करेक्ट होगा, यानी वैसेक्टोमी जो है आपका पुरुषों से संबंधित हो जाएगा, तो पहला विकल्प चलिए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है, वर्णांधता क्या होती है दोस्तों, तो यहां पर कलर में जो है फर्क नहीं पता चलता, मतलब जिस व्यक्ति को यह जाती है तो वह रंग में भेद नहीं कर पाता, तो वर्णांधता का विकास किस कारण से होता है, तो यहां पर ऑप्शन है पहला अधिक सुरापान से, नेक्स्ट आपका आनुवांशिक से अनुवांशिकी से, और अगला आपका विटामिन ए की कमी से, और नेक्स्ट है या ये सभी, मतलब जो भी विकार होंगे या इन सभी विकारों के कारण वर्णांधता उत्पन्न होती है या किसी एक विशेष कारण। तो यहां पर देखिए वर्णांधता जो होती है या अनुवांशिकी से उत्पन्न होती है, यानी कि आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वह इसमें राइट होगा। अगला है हमारा द्विसंकर टेस्ट का क्रॉस का अनुपात है, मतलब जो द्विसंकर टेस्ट क्रॉस होता है उसका अनुपात कितना होता है, तो यहां पर आपके ऑप्शन दिए गए, पहला क्या है 3:1, और नेक्स्ट आपका 1:1, और थर्ड आपका ऑप्शन है 9:3:3:1, ठीक है, और चौथा क्या 1:1:1, ठीक है। तो यहां पर आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 9:3:1, ठीक है। तो यहां पर जो तीसरा विकल्प होगा वह बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके यहां से 13 क्वेश्चन हो गए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 को। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है दोस्तों, यहां पर कहा गया कि हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं, तो किस लिए जाने जाते हैं, यहां पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ठीक है, अगला है हमारा आरएनए संरचना की खोज के लिए, और तीसरा आपका ऑप्शन है डीएनए संरचना की खोज के लिए, और चौथा है हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। तो देखिए जो हरगोविंद खुराना है ये क्या है, साइंटिस्ट है यानी वैज्ञानिक है, ठीक है। तो किस लिए जाने जाते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसमें राइट हो जाएगा। तो किस लिए जाने जाएंगे, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए।
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। और हाँ, अपना स्कोर जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है। तो यहां पर आपके ऑप्शन ये गए, पहला है क्यूलेक्स मच्छर, नेक्स्ट आपका एडीज मच्छर, और आपका थर्ड ऑप्शन है एनोफिलीज मच्छर, और फोर्थ है आपका इनमें से सभी, या ये सभी है या इनमें से कोई एक है। ठीक है, तो यहां पर चिकनगुनिया विषाणु का जो वाहक हो जाएगा वह हमारा होगा एडीज मच्छर, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा पीत ज्वर का वाहक है। तो यहां पर आपके ऑप्शन दिए गए, फिर से यहां पर एडीज मच्छर है पहला, और नेक्स्ट आपका क्यूलेक्स, और अगला है एनोफिलीज मच्छर, और आपका चौथा है यहां पर मास्का। ठीक है, तो यहां पर पीत ज्वर का जो वाहक हो जाएगा वह भी यहां पर होगा क्या, एडीज मच्छर। ठीक है, तो यहां पर पहला जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, 17 क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो देखिए, पेनिसिलिन पहली बात तो है क्या, तो ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, मतलब यहां पर ये क्या, एक प्रकार की औषधि है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो यहां पर आपके पहला जो ऑप्शन है वह क्या है, वीजमान ने, नेक्स्ट है हमारा स्मिथ ने, और अगला है फ्लेमिंग ने, और चौथा ऑप्शन है आर्बर ने। तो फ्लेमिंग ने यहां पर पेनिसिलिन की खोज करी थी, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो इस प्रकार से आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है हमारा, प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है किससे, मतलब यहां पर किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। जैसे यहां पर पहला है नील हरित शैवाल से, अगला हमारा जीवाणुओं से, और तीसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइट से, और अगला हमारा विषाणुओं से। तो देखिए, जो प्रतिजैविक होते हैं, ठीक है, प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, तो कहां से प्राप्त किया जाता है, तो यहां पर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जीवाणुओं से। तो इस प्रकार से आपका जो जीवाणुओं से हो जाएगा वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जीवाणुओं से ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों हमारे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यानी 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहां पर आपके कुछ एंजाइम के जो है नाम दिए गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एक नंबर के लिए अति लघुत्रीय के अंतर्गत भी पूछे जाते थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव ना होकर क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका पहला जो एंजाइम है वह दिया गया है कि लाइगेज, अगला है हमारा यहां पर सेकंड नंबर एंडोन्यूक्लिएज, और थर्ड हमारा एक्सोन्यूक्लिएज, और चौथा है हमारा काइटिनेज। तो देखिए, जो लाइगेज एंजाइम होता है वह होता है डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, यहां पर फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वह हमारा राइट हो जाएगा। तो यहां पर लाइगेज जो एंजाइम है वह डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा दोस्तों, यहां पर बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है। तो देखिए, बीटी टॉक्सिन यहां पर कुछ जीवाणुओं के नाम दिए गए हैं। तो पहली बात तो आपको इन जीवाणुओं पर देखना है कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन है पहला आपका बैसिलस बल्गेरिस, नेक्स्ट है हमारा दूसरा ऑप्शन बैसिलस थ्यूरियजिस, और अगला है हमारा बैसिलस सबटलिस, और अगला है हमारा चौथा नंबर बैसिलस मेगाथीरियम। तो देखिए, जो बीटी टॉक्सिन जीवाणु होता है, ठीक है, मतलब किस जीवाणु से बनता है, यहां पर आपको यह बताना है। तो बीटी टॉक्सिन आपका बनता है बैसिलस थ्यूरियजिस, ठीक है, यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वह इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बिल्कुल तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, एंड हां, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।